हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका आर डी शर्मा का 6.1 का 6 पार्ट्स। देखिए, फिफ्थ पार्ट में आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो रहेगा 60 से 70 के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 6.1 का आपको 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस तरीके से होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले टेकिंग LHS, आपको सबसे पहले LHS ले लेना है और LHS लेने के बाद आपको इसको एक्सपेंड कर लेना है 1/sin θ में और इसे कर लेना है 1/cos θ में। ओके, इस पहले पार्ट को आपको कर लेना है cos θ/sin θ में और इसे कर लेना है sin θ/cos θ में। ये इस तरीके से हो जाएगा। और के देखिए, ये RHS है, ये RHS है, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले LHS लिया है तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं। देखें sin θ माइनस cos θ, प्रोडक्ट होगा, तो कैल्शियम लेंगे तो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर होगा cos θ - sin θ। ओके, ये वाली बात हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा sin θ cos θ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा cos²θ - sin²θ। ये हो गया। जब दोनों का प्रोडक्ट हम कर देंगे cos θ - sin θ, तो ये ऐसे ऐसे लिख सकते हैं और इसका जो है होल इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर आएगा sin²θ और cos²θ। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं RHS की। तो ये RHS है, यानी कि अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में हमने देखा क्या कि यहाँ पर होगा 1/sin θ + 1/cos θ। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर होगा 1/cos θ और यहाँ पर sin θ - 2। ओके, ये हो गया 1/, देखें यहाँ पर है 1/, तो LCM जब हम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin θ और cos θ, ये हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा sin θ + cos θ हो जाएगा। ये हो इस तरीके से हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 1 - 2 cos θ और ये sin θ/, में sin θ और cos θ को लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख लेते हैं, sin θ + cos θ हो गया। ओके, ये जो मैंने 1 को आइडेंटिटी में एक्सपेंड कर लीजिए, यानी कि cos²θ + sin²θ मैंने इसे लिख दिया है, -2 cos θ और sin θ। आप जानते मैंने इसे आइडेंटिटी में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये जो है मुझे एक a+b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देगा, जिसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ आगे। तो ये sin²θ हो गया, cos²θ हो गया। देख लेते हैं बाकी पार्ट को यहाँ पर। तो ये हो गया sin θ + cos θ, और ये जो आएगा आपका आएगा यहाँ पर cos²cos θ + sin θ का होल स्क्वायर। ओके, ये वाली आइडेंटिटी बनी। यहाँ पर हो गया sin²θ और cos²θ। अब देखिए, यहाँ पर एक प्लस का पार्ट था, सॉरी भाई, ये माइनस की आइडेंटिटी बनेगी। काहे की आइडेंटिटी बनेगी? माइनस की। ये एक माइनस का पार्ट है और ये एक प्लस का पार्ट है। जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos²θ - sin²θ, और एक जो वैल्यू बनेगी वो रहेगी cos θ - sin θ, और यहाँ पर आपका ये जो है LHS आपको मिल चुका है। तो ये है आपका LHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। टेकिंग LHS, तो मैंने यहाँ पर LHS ले लिया है। LHS लेने पर मुझे यहाँ मिलेगा 1/cos θ, थीटा कह लीजिए या a, 1/cos a, यहाँ पर 1/sin a। ओके, और यहाँ पर जो मिलेगा वो रहेगा 1 + sin a / cos a + cos a / sin a। ओके, ये वैल्यू मिलेगी। जब मैंने इसका LCM लिया तो यहाँ पर मिलेगा मुझे cos a sin a, यहाँ मिलेगा sin a - cos a। ओके, ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगेन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मुझे LCM लिया तो यहाँ मिलेगा cos a sin a, और यहाँ पर होगा cos a sin a + sin²a, और यहाँ पर + cos²a। ओके, ये वाली बात मिल जाएगी आपको।
ये हो गया सिंपल। देखें यहां पर अब मैंने क्या किया, इस वाली बात को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो है वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में, यहां पर हो जाएगा वन प्लस कॉस ए साइन ए साइन ए, और यहां पर आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, अब इसी बात को मैं आरएचएस में कह देता हूं, टेकिंग आरएचएस, राइट हैंड साइड ले लिया। तो जब मैं राइट हैंड साइड लूंगा तो यहां पर मिलेगा मुझे साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन को एक्सपेंड किया और यहां पर हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए, तो यहां पर कॉस को लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में, कॉस ए हो जाएगा माइनस, यहां पर हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, और मल्टीप्लाई में भी यहां पर साइन ए आएगा क्योंकि वहां पर कुसेक है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो यहां पर मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए। एक बार आइडेंटिटी इसकी होती है, एक बार सिंगल वे में इसे इस तरीके से लिखा जाएगा और दूसरे में इसका होल स्क्वायर खोल दिया जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए कॉस ए। ओके, यह हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब आप देख पाएंगे कि ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, साइन ए माइनस कॉस ए इसे ऐसे ही रहने देंगे और अगेन जो है इसे हम वन में कन्वर्ट कर देंगे, वन हो जाएगा ये, तो वन प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और अपॉन में जो डिनोमीटर में था वो से हम इस तरीके से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो ये ही आपका क्या था, यही आपका एल एच एस था और यही आपका आर एच एस है। तो आप कह सकते हैं कि आर एच एस और एल एच एस कैसे हैं, इक्वल हैं। ये एल एच एस है और वो आर एच एस है, तो दोनों इक्वल पार्ट हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 आपको मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपको करना ये है कि यहाँ पर कुसेक ए माइनस सेक ए लाना है। सिंपल आपको करना ये है कि इसे आपको ब्रेक कर लेना है। देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ये कुसेक को वन अपॉन साइन में कर लेंगे, इसे करेंगे साइन ए वन अपॉन कॉस ए में। ओके, इस वाली बात को आपको यहाँ कर देना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस साइड लेकर, साइन ए और माइनस वन अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये, और यहाँ पर जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना यह है कि इनका एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ओके, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक पार्ट हो जाएगा इस तरीके से, और इस पार्ट को यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन ए कॉस ए। ओके, यहाँ देखिए यहाँ आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया आपका, इस पार्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको वैल्यू दोनों सेम नज़र आएंगी, क्या आएंगी वैल्यू आपको दोनों सेम नज़र आएंगी, तो आप कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और कॉस ए, तो ये है आपका इक्वल एल एच एस, और इक्वल होगा किसके, आर एच एस के। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 में आपको करना यह है, साइन ए हो गया। ओके, यहां पर हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो गया माइनस, प्लस यहां पर हो जाएगा कॉस ए वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस वन। जब आप एलसीएम लेंगे इनका तो यहाँ पर आएगा आपका कॉस ए, यहाँ पर आएगा आपका कॉस ए, और यहाँ बचेगा आपका वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, और यहाँ मिलेगा आपको साइन ए, क्लियर, प्लस ऐसे ही मिलेगा यहाँ पर आपको कॉस ए, यहाँ मिलेगा वन, यहाँ मिलेगा वन, और यहाँ प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी।
अब आपको करना ये है कि देखिए इसके अपॉन में ये है, यहाँ वन लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। यहाँ वन लगाइए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए साइन ए कॉस ए ऊपर मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, प्लस यहाँ पर आप देख पाएंगे साइन ए कॉस ए मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये वैल्यू आपकी आपको मिल जाएगी। क्लियर, जब इतना वाला पार्ट आपके पास होगा तो आपको करना ये है कि इनका एलसीएम ले लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ मिलेगा। ऊपर जो वैल्यू आएगी वो रहेगी साइन ए कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ओके, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉस ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, ये हो गया आपकी वैल्यू। अब आप देखिए, अब आपको करना ये है कि इनका मल्टीप्लाई अंदर कर लेना है और इन्हें एक्सपेंड कर लेना अलग अलग तरीके से, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो वन आ जाएगा। देख लेते हैं, साइन ए कॉस ए यहाँ पर हो गया, प्लस कॉस के साथ करूँगा तो साइन ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ओके, यहाँ मैंने किया तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सेम वही तरीका कि साइन ए कॉस ए, और यहाँ आप करेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि साइन प्लस का है तो प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए और माइनस का साइन ए कॉस स्क्वायर ए, ओके, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगेन आपको करना यह है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, देखो कुछ इस तरीके से, वन मिलेगा पहले तो वन हो गया, फिर आपको मिलेगा कॉस ए, ठीक है, वन हो गया प्लस कॉस ए हो गया, फिर यहाँ पर मिलेगा माइनस साइन ए, ओके, अगेन आपको मिलेगा प्लस साइन ए, प्लस साइन ए, अगेन आपको मिलेगा साइन ए कॉस ए, ओके, फिर आपको मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अब आपको यहाँ मिलेगा माइनस कॉस ए, यहाँ मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ मिलेगा प्लस साइन ए और कॉस ए, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, साइन ए कॉस ए प्लस ये बचेगा, देखिए इस वाले से इन दोनों पार्टों से वन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेकर वन की आइडेंटिटी बनेगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस ए से माइनस का कॉस ए कैंसिल आउट होगा, साइन ए से माइनस प्लस का साइन ए कैंसिल आउट होगा, ओके, जो बचेगा वो डिनोमिनेटर में वो आपके पास है, यानी ये बचेगा एक पार्ट और एक पार्ट आपका ये बचेगा, ओके, ये दो पार्ट बचेंगे। अब ऊपर चलिए, देखें ऊपर वाली बात में यहाँ देख पा रहे हैं तो ये देखिए प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से आप देखेंगे कि एक ये पार्ट और एक ये पार्ट दोनों को आप ले लीजिए। दूसरा आप यहाँ पर देखिए कि कॉस ए है ना, क्या है, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए दोनों से कॉमन आ सकता है ये वाला पार्ट, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए और स्क्वायर की एक आइडेंटिटी बनेगी जो कि आपको वन देगी, क्या देगी, वन, या आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपकी जो वैल्यू बनी वो बनी टू कॉस ए और साइन ए, और ये टू साइन ए और ये कॉस ए, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो आपका यहाँ पर वन आएगा, ओके, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको करना ये है कि देखें ये होता है टेन ए, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस ये होता है आपका कॉट ए, तो ये हो गया आपका कुसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ओके, जब आप इसे लिखेंगे क्या कि साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा वन अपॉन कॉस की पावर फोर ए,
प्लस यहाँ लिखा जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin^4a। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसे हम कर देते हैं तो ये होगा साइन ए कॉस 4a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन 4a अपॉन साइन ए। क्लियर? ओके, तो देख लेते हैं आगे। ये कॉस ए है, कॉस ए से आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, एक को कैंसिल आउट कर देते, साइन ए से एक साइन को कैंसिल आउट कर देते। अब जो वैल्यू बची वो आपके पास है साइन ए कॉस क्यू ए प्लस कॉस ए साइन क्यू ए। ओके, यहाँ से आपको करना ये है साइन ए कॉस ए को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये आपका वन होता है, ये वाला पार्ट वन होता है, तो आपका आंसर हुआ साइन ए कॉस ए, और यही आपका आरएचएस है, यानी कि यही आपको प्रूव करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 66 को मैं लिख सकता हूँ क्या, देखें इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4a लिख सकता हूँ। ओके, और इसे मैंने लिखा हुआ है 1 - sin 4a, और यहाँ पर हो गया 2 tan² a। ओके, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा sec 4a माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसका तो tan 4a हो जाएगा, माइनस 2 tan² a हो जाएगा। ओके, ये वाली बात हो गई। अब आपको करना ये है कि इसकी एक आइडेंटिटी को सॉल्व कर लेना है, या तो आप टेन को चेंज कर लीजिए या आप कर लीजिए इसको चेक कर लीजिए। तो देखें मैं इसे चेंज करता हूँ, तो मैंने इसे चेंज करने के लिए क्या किया, मैं जानता हूँ टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 1 + tan² a होता है sec स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर दिया है, माइनस टेन की पावर 4a हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 2 tan² a। ओके, यहाँ पर देखें 1 + 10 की पावर 4a और प्लस 2 tan² a आ गया। ओके, ये मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया है, तो आप इसे भी आराम से कर सकते हैं। तो देखो 2 tan² a से ये कट गया, 10 4 से 10 4 कटा, आपका जो वैल्यू आया वो 1 आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 66। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 को आप आसानी से देख सकते हैं। इसको करने के लिए आपको करना ये है कि इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इधर कर देना है और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इधर कर देना है, देन दोनों को प्रूफ कर देना है। तो देखें यहाँ पर आप, मैं देख पा रहा हूँ कॉट स्क्वायर ए, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा sec स्क्वायर ए, इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 - sin² a। ओके, ये हो गया। देखें जब मैंने देखा कि ये कॉट है, ये कॉस स्क्वायर है, ये होता है टेन स्क्वायर ए, और ये होता है कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये हो गया sec स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। देखें इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 = 1। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, RHS और LHS दोनों इक्वल हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखें यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसे एक्सपेंड करने वाला हूँ 1 + cos θ यानी cos a अपॉन साइन ए, और यहाँ पर प्लस साइन ए अपॉन cos a। ओके, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर इसे सिमिलर ऐसे के ऐसे ही रखने वाला हूँ, cos a हो गया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये आएगा आपका साइन ए कॉस ए। ओके, यहाँ पर आएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी एलसीएम लेने पर। तो एलसीएम लेने पर जब आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब करना क्या है, इस वाले पार्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ओके, प्लस
साइन क्यू ए प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर आएगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए ओके माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए ओके माइनस कॉस क्यू ए ये वाली वैल्यू हो गई। अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर है वो उसे आप ऐसे कैसे ही लिख लीजिए, यहाँ पर आएगा आपका साइन ए और कॉस ए क्लियर। देखें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए कॉस ए ये कैंसिल आउट और ये से ये कैंसिल आउट तो आपका बचा क्या, यहाँ पर बचेगा आपका साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए अपॉन साइन ए और कॉस ए। जब आपने क्या किया साइन क्यू ए अपॉन साइन ए कॉस ए रखा माइनस कॉस क्यू ए अपॉन साइन ए और कॉस ए रखा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी, देखें साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक टेन बचेगा, यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस तो आपको यहाँ पर कॉट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका टेन, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी साइन ए टेन ए ओके माइनस कॉट ए और कॉस ए, यही आपका आरएचएस राइट हैंड साइड है। अब मिडिल हैंड साइड को देख लेते हैं, मिडिल हैंड साइड से आपको सेम इसी तरीके से करना है, इसको करना है वन अपॉन कॉस में कॉस ए और इसे कर लेना है वन अपॉन साइन स्क्वायर ए में क्लियर। माइनस यहाँ पर आपको करना है वन अपॉन साइन ए में, इसे आप कर लेना है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए में ओके। ये मिडिल हैंड साइड है भाई एम एच। देखें अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो यहाँ पर हो जाए देखें ध्यान से देखेंगे कि ये साइन अपॉन कॉस है ना वो टेन होता है टेन, क्योंकि जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा यहाँ पर तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा टेन मिला टेन ए क्लियर, वन अपॉन कॉस था ना वन अपॉन कॉस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई सही है साइन अपॉन कॉस कॉस होगा ये होगा और यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो रहेगा वन अपॉन कॉस यानी कि साइन ओके। देखें साइन अपॉन कॉस एक आ गया तो टेन आ गया और यहाँ सिंगल साइन बचेगा तो वही आ गया। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कॉस अपॉन साइन होता है कॉट और यहाँ पर मिलेगा कॉट ए और कॉस ए, ये वैल्यू आपकी रहेगी, ये है आपका आरएचएस। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, आपको करना ये है कि सिंपल फॉर्म में इसे चेंज कर लेना, चेंज करने के बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आराम से आ जाएगा इजी वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 69 में आपको करना ये है कि आपको एक पार्ट इधर ले लेना है और इधर वाला पार्ट उधर पहुंचा देना है। तो देखिए इस तरीके से कर देना है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए ले लिया मैंने इधर ओके साइन स्क्वायर ए इधर ले लिया। अब आपको करना यह है कि इस वाले पार्ट को आपको इधर पहुंचा देना है, तो यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचाएंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, मैंने यानी कि एक एक रेशियो वाले दोनों एक साइड कर लिए यानी ए वाला पार्ट यहाँ पर कर लिया है और बी वाला पार्ट यहाँ पर कर लिया है। तो देखें मैंने क्या किया यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर बी माइनस वन ओके। यहाँ से मैंने क्या किया यहाँ से आपको साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लिया है तो आपको मिलेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस वन क्लियर क्लियर। तो देखें अभी आपकी जो वैल्यू मिली है मुझे यहाँ पर वो क्या मिली है वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो दोनों साइड आपकी प्रूव हो चुकी है यानी कि एल एच एस इक्वल है आपके आर एच एस के, एल एच एस इक्वल है किसके आर एच एस के। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी वे में हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70।